हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से आप टाइट फिटिंग साड़ी कैसे पहन सकते हैं। अगर आप न्यू ब्राइड हैं या आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर साड़ी को हम यहाँ से टक करना स्टार्ट करेंगे। नेवल के पास से टक नहीं करेंगे क्योंकि हमें परफेक्ट लुक चाहिए, तो हमें छोटी छोटी जो ट्रिक है इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ से हम टक करेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि वहाँ से टक करने का आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं साड़ी पे जो नीचे की तरफ डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस तरह से एक आपका अच्छा लुक आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टक करने के बाद हम पूरी साड़ी जो है उसको इस तरह से गैदर कर लेंगे। और ये जो हमारा पल्लू का पार्ट है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड से घुमाकर राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे प्लेट्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए आपको गैदर कर लेना है, और आप गैदर करके इस साइड लाने के बाद आपको इस तरह से प्लेट्स बनानी है पल्लू की। मैं यहाँ पर आपको दो स्टाइल से पल्लू की प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी, दोनों ही बहुत ही ईजी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। अगर आपको बिल्कुल भी प्लेट्स बनाने नहीं आता तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे, फिर हम उसे अच्छे से अरेंज करेंगे एक दूसरे से इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको सेट करना है प्लेट्स को। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें उसे अच्छे से सेट करना होता है। तो देखिए, अभी ये बराबर बन गया है। अब हम इसे शोल्डर पर रखेंगे, और उसके बाद शोल्डर के थोड़ा सा नीचे मैं हमेशा पिन लगाती हूँ। आपको सभी वीडियोस में मैं यही बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं एक बार सेट कर लूँगी, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पीछे के पल्लू प्लेट्स जो है वो तो सेट रहे और फ्रंट पार्ट जो है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे आपको ट्रिपल पिन जो होती है वो वाला साड़ी सेटिंग नहीं करनी होती है, इससे आपको आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चाहे तो बड़ा पल्लू ले सकते हैं या फिर छोटा पल्लू ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लॉन्ग पल्लू ले रही थी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आप एक प्लेट्स जो बॉर्डर है साड़ी का उसे हम ले लेंगे, उसके नीचे सारे प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद एक बड़ी वाली जो सेफ्टी पिन आती है ना, उससे हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत ही पतली बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा ये सेट हो चुका है। यहाँ पर एक अब हम सेफ्टी पिन लेकर पहले इसे हम सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब हम इसे अपने शोल्डर के पास अटैच करें तो ये खुले नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हमने पतला बॉर्डर बनाया है तो ये खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से सेट करके आप लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से अब इसे भी आपको जो है आगे से सेट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो हमारा पार्ट था इसे आपको इस तरह से इस साइड खींच कर लेकर आना है। और उसके बाद यहाँ पर एक दो चुन्नटे आपको इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा जाता है। कई बार तो हम ऐसे प्लेट्स बनाते हैं तो भी चुन्नटे आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम पहले से चुन्नटे बनाते हैं तो हमारा लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है और साड़ी का परफेक्शन अच्छे से दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इसे टक कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें चेकआउट करना ना भूलेगा, मैं उनके लिंक दे दूँगी। देखिए, यहाँ पर सेफ्टी पिन से मैंने सिक्योर कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर अब हम प्लेट्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्लेट्स बनाना है। पहले साड़ी का राइट हैंड साइड की तरफ साड़ी का पार्ट लेकर आपको इस तरह से माप करना है यहाँ तक इस तरह से। तो यहाँ से जो कपड़ा है यहाँ से आपको प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से आसानी से प्लेट्स बना सकते हैं। आपका जो ये बाकी जो फिंगर्स हैं, थ्री फिंगर्स को आपको दूसरे साइड रखना है, आपको थंब और जो आपका जो ये फिंगर रहता है हमारा इंडेक्स फिंगर, इनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैपिंग यहाँ तक आपको मैं दोबारा बता देती हूँ आपको करना है। ओके, तो देखिए अब हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए थंब का यूज़ करके और इस तरह से इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके आपको प्लेट्स बनानी है। तो बहुत ही आसान है ये वीडियो, आपको साड़ी पहनने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता और डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी जो न्यू मैरिड है या साड़ी पहनना जिनको सीखना है, शादी होने वाली है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर जो ये फर्स्ट प्लेट है इसे हम ओपन करके फिर से इसे हम अच्छे से बनाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो भी प्लेट्स बनाए हैं ये सारे इक्वल है, यानी ये सबका एक ही जैसा माप मैंने लिया है। और ऊपर से भी मैंने उन्हें अच्छे से सेट कर लिया है, ऊपर नीचे नहीं रखना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से नेवल के पास टक कर देंगे। आप देख सकते हैं सारे प्लेट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, बस यही गैप की वजह से आप देख सकते हैं सारे प्लेट्स आपको दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। कई बार लोग ऐसी साड़ियाँ पहनते हैं कि उनका सिर्फ फर्स्ट प्लेट दिखता है और बाकी की जो प्लेट्स होते हैं ना वो उनकी फर्स्ट प्लेट के नीचे छुपे हुए रहते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, तो उस तरह से मज़ा नहीं आता है साड़ी पहनने में। तो इस तरह से आप एक सेफ्टी पिन प्लेट्स के पास लगा सकते हैं, आप चाहें तो फैंसी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपल पिन का। और ऊपर की तरफ अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से जो हमने शोल्डर के पास पिन लगाया तो यहाँ पर आप इस तरह से बॉर्डर को दोनों ज्वाइन करके अंदर से पिन लगा लीजिए। बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, अगर आप न्यू ब्राइड भी है तो बस आपका जो है 2 से 3 पिन में काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप जल्दी में भी साड़ी पहन सकते हैं और कहीं आना है जाना है या फिर डेली वेयर के लिए भी इस तरह से साड़ी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं लुक आ गया है। और यहाँ पर जो मैंने साड़ी ली है उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो इस तरह से आप जो है साड़ी पहनना सीख सकते हैं। और आप मेरे साड़ी ड्रेपिंग के और वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको ऑल साड़ी ड्रेपिंग वीडियो करके मिलेगा, आप वहां पर चेक कीजिए, आपको बहुत सारे डिफरेंस वीडियो मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट साड़ी ड्रेपिंग के। उम्मीद है वो सारे वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।